नमस्ते टू ऑल द स्टूडेंट्स. आई एम जीविन भावना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फैकल्टी ऑफ एपी. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक द सेशंस ऑफ ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स एंड मल्टीमीडिया. तो देखो, ऑडियो फॉर्मेट्स क्या है, जो आपको ऑडियो सुनने के लिए काम में आते हैं, वही आपको हम लोगों ने बोला है कि भाई ये ऑडियो फॉर्मेट है. लेकिन बेसिकली ऑडियो फॉर्मेट क्या डिफाइन करता है, क्वालिटी एंड लॉस ऑफ ऑडियो डाटा. मतलब आप जब डाटा को सेंड कर रहे हैं या आप जो डाटा सुन रहे हैं उसके अंदर किस तरह से उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर किस तरह से डाटा का लॉस हुआ है, वो चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे. तो इस चीज को लेके कि भाई उसका लॉस कितना हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी फाइलें होती है उसको क्या करते हैं, मोस्टली कंप्रेस करते हैं. तो इस टाइम पे कंप्रेस अगर आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या डाटा का लॉस हो रहा है, उसी चीज को लेकर हम लोगों ने तीन कैटेगरीज में ऑडियो फॉर्मेट को डिवाइड कर दिया. पहला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट, सेकेंड लॉसी कॉम्प्लेक्स कंप्रेस फॉर्मेट, थर्ड है लॉसलेस कंप्रेस फॉर्मेट. तो पहला की बात हम अगर करें कि कंप्रेस और ऑडियो फॉर्मेट क्या है, तो देखो इट स्टैंड फॉर, तो कंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट, इसमें भी क्या करें, हम कंप्रेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास बेसिकली तीन फॉर्मेट्स है. पहला पीसीएम. पीसीएम क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन. या आप लोगों ने कहीं 12th क्लास में आपने भी कभी पढ़ा होगा कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग करते हैं हम लोग, कैरियर सिग्नल लेके आते हैं, ठीक है, और उसकी सैम्पलिंग वगैरह करते हैं. सो पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट और इट रिप्रेजेंट रॉ एनालॉग सिग्नल इन डिजिटल फॉर्म. मतलब जो आप एनालॉग सिग्नल जो आप भेज रहे हो ना, उसको क्या है, डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, प्रेजेंट करता है. सो टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इन टू अ डिजिटल सिग्नल, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एट पर्टिकुलर इंटरवल. तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है उसको ऑडियो को डिजिटल में, और इसके लिए क्या करता है वो हाँ, तो ये क्या करता है, उसके लिए ये रिकॉर्ड करता है, ये खुद को रिकॉर्ड करता है अपने एक एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है. तो अब और हम देखा जाए, इसके अंदर सैम्पलिंग और बिटरेट्स भी यूज हो रही है. उसके सिवा जो देखो, इट इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग साउंड एंड डू नॉट इन्वॉल्व कंप्रेशन. अब क्या है, बेसिकली हम बात करें ना, तो ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है साउंड का, ठीक है, क्योंकि वो एज इट इज कन्वर्ट हो रहा है. तो ये इसके अंदर कंप्रेशन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है. अब सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ऑडियो फॉर्मेट किस में यूज हो रहा है, सीडीज और डीवीडीज में यूज होता है, ठीक है ना. सीरीज और डीवीडीज में यूज होने वाला फॉर्मेट क्या है, पीसीएम. नेक्स्ट है डब्ल्यूएवी, वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है. ये क्या है, इट इज जस्ट अ विंडो कंटेनर ऑडियो फॉर्मेट. अब ये क्या है, एक जैसे जैसे कंटेनर होता है, रैपर होता है, नहीं बस उसी की जैसे काम करता है. मतलब इट कंटेन कंप्रेस ऑडियो, मतलब ये खुद क्या करता है, कंप्रेस ऑडियो को कंटेन करता है, ठीक है. जैसे इसके अंदर भी क्या होता है, पीसीएम का ऑडियो फाइल फॉर्मेट अपने में ही कंटेन करता है. So it contains a compressed audio in PCM format. It is compatible with both Windows and Mac. ये Windows और Mac दोनों के लिए compatible है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. AI developed audio interchange file format. अब ये क्या होता है, जैसे WAV file format होता है ना above वाला, उसी तरह से ये भी क्या करता है, it contains multiple kinds of audio. ये भी एक तरह से रैपर की जैसे काम करता है और बहुत सारे audio file formats को contain करता है. जैसे it contains uncompressed audio format, audio in PCM format. ये क्या करता है, ये भी अपने के अंदर अनकंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट लेके चलता है, जो कि पीसीएम की फॉर्मेट में होती है. इट इज ना, तो ये क्या, इट इज जस्ट रैपर ऑफ पीसीएम एनकोडिंग. तो पीसीएम को जो जिसकी हमने बात करी है, उसको एनकोड करने के लिए जस्ट रैपर की जैसे काम करता है. ये भी बोथ विंडोज और मैक के लिए काम आता है. नेक्स्ट है आपका लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट. अब देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ कंप्रेशन दैट लूजेस डाटा ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस, है ना. बट द डिफरेंस इज क्वालिटी एंड नो नोटिसेबल टू हियर. मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली जो ये किस तरह का फॉर्मेट है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं डाटा को, ठीक है ना. कंप्रेशन दैट लूजेस डाटा ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस. लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ डाटा लूज हो जाता है कंप्रेस करते टाइम पे, पर फिर भी क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना. मतलब डिफरेंस अगर आता भी तो हियरेबल नहीं होता. तो पहला इसका MP3 फॉर्मेट, जिसको हम लोगों ने बोला MPEG फॉर्मेट, ठीक है. ये क्या है, MPG 1 ऑडियो लेयर 3. अब ये क्या है, इसको हम लोगों ने इसका पूरा नाम है 1993 में हम रिलीज किया है, और सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला फॉर्मेट है जिसको आज हम यूज करते हैं. तो इसका MP3 का क्या बेसिक मोटो था, इज टू रिमूव ऑल दोज साउंड्स व्हिच आर नॉट हियरेबल और लेस नोटिसेबल बाय ह्यूमन ईयर. तो ये क्या करता है, मोस्टली जो हम लोग नहीं सुन पाते उनको सबको निकाल देता है, है ना, बाहर निकाल देता है, कम कर देता है. और क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर क्या है, फाइल का साइज होता है काफी कम हो जाता है, ठीक है. और ये यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट है, क्योंकि मोस्ट जगह हर डिवाइस के साथ कंपेटेबल है और हर जगह यूज होता है. नेक्स्ट हमारे पास AAC. ये क्या है,
एडवांस ऑडियो कोडिंग है इसका फुल फॉर्म देखे जाए, ठीक है ना, इसके अंदर जो एल्गोरिदम यूज होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है देन कंपेयर टू MP3, ठीक है। और AAC विल जनरेट बेटर क्वालिटी साउंड, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑडियो कंप्रेशन मेथड यूज बाय YouTube, Android, iOS, iTunes एंड प्ले स्टेशन। अब ये क्या है, ये भी मोस्टली क्या है, अच्छी क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, एक स्टैंडर्ड कंप्रेशन मेथड है जो कहाँ यूज हो रहा है हमारा, मोस्टली YouTube पे यूज हो रहा है। कभी हम देखते हैं ना MP3 की वॉइस क्वालिटी अलग है, YouTube की अलग है, क्योंकि वो अलग मेथड यूज कर रहा है, एंड्रॉयड के अंदर हो गया, iOS, ऐसे अलग अलग जगह पे ये क्या मेथड यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है WMA। अब ये क्या है, विंडोज मीडिया ऑडियो, ठीक है ना, ये क्या करता है, रिमूव सम ऑफ द फ्लॉज ऑफ MP3 कंप्रेशन मेथड, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बेटर देन MP3 बट नॉट वाइडली यूज। अब ये भी क्या कर रहा है, एक बेटर कंप्रेशन क्वालिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू MP3, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वाइडली यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो लॉस लेस कंप्रेशन, अब इसके अंदर क्या है, हम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, फाइल की साइज तो रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो लॉस लेस कंप्रेशन है, ठीक है। देखो इट इज नॉट गुड एज लॉसी कंप्रेशन बट द फाइल साइज कंप्रेस टू लॉसी कंप्रेशन इज टू टू थ्री टाइम्स मोर। अब ये लॉसी कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो वहां से क्या है, बहुत ज्यादा गुड तो नहीं है, लेकिन जिसके अंदर जो साइज हम कंप्रेस करते हैं वो काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर है एग्जाम्पल FLAC फाइल फॉर्मेट, ये क्या है, प्री लॉस लॉसलेस ऑडियो कोडेक, ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। यहाँ पे ये क्या करता है, कम से कम फाइल को 50% कंप्रेस कर देता है बिना किसी डाटा के लॉस के, ठीक है। ये भी एक ओपन सोर्स का एग्जाम्पल है और बहुत पॉपुलर कैटेगरी है। नेक्स्ट है हमारे पास ALAC, स्टैंड फॉर एप्पल लॉसलेस ऑडियो ऑडियो कोडेक, ये 2004 में आया था, फिर उसके बाद 2011 पर फ्री हो गया, एप्पल के थ्रू डेवलप किया गया था, ठीक है ना, ज्यादा पॉपुलरली नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास मोस्टली, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपके पास WMA, ये क्या है, विंडोज मीडिया ऑडियो, बट इट इज लीस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड इट इज नॉट ओपन सोर्स। ये क्या है, कंप्रेस की अगर हम बात करें तो कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, है ना, अगर हम कंप्रेशन की टर्म्स में बात करें तो, लेकिन ये क्या है, ओपन सोर्स भी नहीं है और लिमिटेड टू हार्डवेयर सपोर्ट, मतलब अगर हार्डवेयर की हम बात की जाए तो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता है, उससे लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आपको सेशन क्लियर हुआ होगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी। थैंक यू।